तो दोस्तों ये देखिए मैं एक प्रोडक्ट मंगाई हूँ जिसका मैंने ओपनिंग पहले कर लिया है क्योंकि ये कार्डबोर्ड के अंदर में था तो मैंने उसको वहाँ से निकाल लिया है। और फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो ये है एक मॉइस्चराइजर क्रीम जो कि मैं रेगुलर बेसिस पे यूज करती हूँ। तो मुझे ये जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ, क्योंकि कुछ भी मेरे साथ अच्छा होता है तो चीज़ों को मैं शेयर करती हूँ, इवन गलत भी मेरे साथ होता है तो मैं शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि चीज़ों को शेयर करना एक आदत में हमारा शामिल है। जो यूट्यूबर लोग होते हैं तो ये उनका नेचर होता है सभी चीज़ों को शेयर करना। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक एक्वालाइन का ग्लो मॉइस्चराइजर क्रीम यहाँ पे ओपनिंग किया हुआ है और इसी का मैं आप लोगों को रिव्यू दिखाऊंगी। मीन्स मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ ताकि आप लोग भी इसका फ़ायदा उठा सको। हालाँकि ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है दोस्तों, मैं उतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ कि मैं किसी का प्रमोट करूँ। तो दोस्तों ये देखिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये जो मॉइस्चराइजर है दोस्तों बहुत अच्छा है, मैं क्या ही बताऊँ इसके बारे में। मैं ज़्यादा कुछ तो चेहरे पर अप्लाई नहीं करती हूँ और क्या बोलूँ, मेरा स्किन जो है आप लोग देखते ही हो कि कितना बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। लेकिन जो भी है और जो मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये देख लीजिए इसका क्रीम का टेक्सचर जो है कुछ इस तरीके का है, थोड़ा सा इसको अप्लाई करने के बाद जो है शाइनी शाइनी सा स्किन हमारा दिखता है और बहुत स्मूथ क्रीम है, बहुत जल्दी ये स्किन पे अब्जॉर्ब हो जाता है और स्किन में एक ग्लो सा बन के आता है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद जैसे कि मैं इसको अप्लाई करती हूँ उसके बाद मुझे कोई चीज़ और आवश्यकता नहीं पड़ती है अपने स्किन पर अप्लाई करने का, बस ज़रा सा डॉट डॉट करके लगा लेती हूँ, बस इसी से मैं खुश हो जाती हूँ। स्किन जो है बहुत ही स्मूथ हो जाता है और दिन भर आप जैसे फ्री रहिएगा इसको अप्लाई करने के बाद। तो ये है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। और इस फाइल को मैंने दोबारा मंगाया है तो ये देखिए इसका दूसरा फाइल जो है, पहले से जो मैं यूज़ कर रही थी वो अभी ख़त्म हो चुका है, बस ज़रा सा क्वान्टिटी में ये बचा हुआ था तो मुझे लगा कि अब दूसरा मंगाना चाहिए तो इसको मैंने बाय कर लिया है। और फ्रेंड्स इसका मैं प्राइस मेंशन कर देना चाहूँगी। ये देखिए 550 रुपीज़ का ये फाइल आया हुआ है दोस्तों, मैं क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेरे लिए है। तो चाहिए अगर आप लोगों को तो आप लोग बाय कर सकते हो, ये ऑनलाइन परचेस हो जाएगा, किसी भी वेबसाइट पर आप जाके देख लीजिएगा। मैंने एक दो वेबसाइट पर देखा हुआ है तो वहाँ से ये अवेलेबल हो रहा था, तो मैं जब भी मन मुझे होता है तो फ्लिपकार्ट से, मीशो से या शॉपसी वगैरह में भी शायद आप चेकआउट कर लीजिएगा, मिल जाए। ये देखिए दो फाइल, एक तो ये सॉर्ट आउट हो चुका है और ये दूसरा स्टार्ट में करने वाली हूँ। तो ये था मेरा बेस्ट रिव्यू ऑफ पिलग्रीन का मॉइस्चराइजर, एक्वालाइंस ग्लो मॉइस्चराइजर इस क्रीम का नाम है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब शाम का टाइम हो गया था, दिन में मैंने एक प्रोडक्ट का आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ कि वो वीडियो भी आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। और शाम के टाइम में यहाँ पे फिश एक्वेरियम शॉप पे पहुँच चुकी हूँ, जहाँ पे घर को डेकोरेट करने के फिशेस जहाँ पे मिलते हैं मैं बस वहीं पे पहुँची हुई हूँ। और ये देख लीजिए यहाँ पे तरह तरह वैरायटी के फिशेस ला कर के भैया ने रखा हुआ है। और ये जो शॉप है मेरे घर के जस्ट सामने में ही है, तो मैंने सोचा चलो, मेरा एक्वेरियम भी कुछ दिनों से खाली पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा चलो आज चल के फाइनली मैं कुछ
वापस लेकर के आऊँगी। बीच में मैंने डाला हुआ था जिस टाइम पे ये लॉकडाउन वगैरह चल रहे थे, उस टाइम मेरे एक्वेरियम जो है भरा भरा सा दिया हुआ था और उसको साफ सफाई मैंने किया हुआ था, तो उसके बाद से मैं फिश वगैरह नहीं डाली थी। तो आज मैंने सोचा चलो चल के ले आती हूँ, क्योंकि बिल्कुल खाली खाली था और मैं भी खाली थी जो मैं आज ये काम कर पाई। तो ये देखिए मैं कोमल के साथ पहुँची हुई हूँ शॉप पे, और यहाँ पे भैया जैसे बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैं फिश लेकर के जाऊँगी, क्योंकि अगर अलग अलग वैरायटी के मैं फ़िश रखूँगी तो शायद ये लोग एक साथ नहीं रहें, इस वजह से भी मैंने सोचा चलो एक ही वैरायटी का फ़िश लेकर के जाऊँगी। तो जो कुछ भी मैं लूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मेरे एक्वेरियम में कौन सा फ़िश जाता है, तो आप लोग वीडियो पे बने रहेंगे तो शायद आप लोगों को सब कुछ पता चलेगा। तो ये लीजिए दोस्तों, मैं फ़िश लेकर के घर आ गई हूँ, और ये लीजिए दो येलो इस टाइप की फ़िश मैं लेकर के आई हूँ, और दो जो है उसके बॉडी में ये देखिए डॉटेड स्टार लगा हुआ है, दो काली काली फिश है जो शार्क के नाम से है, और जो भी है तो यही सब है। मैं ज़्यादा कुछ ज़्यादा वैरायटी के फिश लेकर के नहीं आई, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक साथ सभी जो है सरवाइव नहीं करेंगे, तो इस वजह से। तो फिश एक्वेरियम मेरा कैसा लग रहा है उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बताएंगे। और फिश एक्वेरियम मेरे पास था बट टाइम नहीं निकल पा रहा था, जिसकी वजह से मैं फ़िश नहीं डाल रही थी। एक बार साफ़ सफाई की थी, उसके बाद ये खाली ऐसे कैसे पड़ा हुआ था पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।